चंपावत सत्र न्यायालय ने बिहार से आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई करते हुए बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक हैं बच्चा पांडे। चंपावत जनपद के पाटी क्षेत्र निवासी धन सिंह के द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने सड़क निर्माण में कार्यरत दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करते हुए चंपावत पुलिस अधीक्षक को बच्चा पांडे को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन के द्वारा अल्मोड़ा जिले में सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा था, जिसमें चंपावत के पेटी ठेकेदार धन सिंह और उसके सहयोगी हरीश अधिकारी के द्वारा भी काम किया गया था। इसके एवज में दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा विधायक बच्चा पांडे के अधिकृत हस्ताक्षर युक्त 10-10 लाख के 2 चेक धन सिंह को दिए गए थे, जो बैंक में बाउंस हो गए। इसके बाद धन सिंह के वकील दीपक चौसी के द्वारा चेक जारीकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब न मिलने पर धन सिंह द्वारा फरवरी महीने में 2019 में चंपावत न्यायालय में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई। इस पर कार्यवाही करते हुए अदालत ने सबसे पहले बाउंस हुआ चेक जारी करने वाले आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ बेलेबल सम्मन जारी किया, किंतु बच्चा पांडे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय द्वारा विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके चंपावत पुलिस अधीक्षक को आरोपी बच्चा पांडे को न्यायालय के समक्ष तारीख 26 जुलाई 2023 तक उपस्थित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। बताया जाता है कि विधायक बच्चा पांडे के न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में वादी धन सिंह के वकील दीपक जोशी के द्वारा कार्यदायी कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई किए जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। वर्ष 2018 में द्वाराहाट डिवीजन अल्मोड़ा के अंतर्गत एक मोटर मार्ग था, पारकोट बैनाली मोटर मार्ग, जिसके स्टेज 2 का टेंडर मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, जिनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बच्चा पांडे थे। तो दरौली कंस्ट्रक्शन के द्वारा उक्त कार्य में हमें सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य दिया गया था। मेरे मुवक्किल धन सिंह व हरीश अधिकारी जी द्वारा उक्त स्टेज 2 का कार्य पूर्ण किया गया, जिसके एवज में बच्चा पांडे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा 10-10 लाख के 2 चेक वर्ष 2018 में मेरे मुवक्किल धन सिंह को प्रदान किए गए थे। उक्त चेक दोनों ही चेक 20 लाख के धनराशि के जो दोनों चेक थे वह बाउंस हो गए, और बाउंस हो जाने के कारण हमने उनको एक नोटिस नवंबर 2019 में भेजा। नवंबर 2019 में उक्त नोटिस का उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2019 में हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में उनके विरुद्ध 138 अनायक का वाद दायर कर दिया गया था। लगातार माननीय न्यायालय द्वारा समन भेजे जाने के उपरांत वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। जमानती वारंट में भी उपस्थित न होने के कारण उक्त वाद में जो इनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बच्चा पांडे हैं मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उधर चंपावत के SP देवेंद्र पिंचा ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस की टीम को बिहार रवाना कर दिया गया है। देखिए, ये मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोई है शिवानी कोई मिस्टर बच्चा पांडे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट किसी NI एक्ट के केस में जारी किया गया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि फिर हम उसको तामील करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और उसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी टीम गई हमारी, देखते हैं वो लोड किया टीम भेज। UP News 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।